क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक ऐसा फैसला जो बांग्लादेश ने कुछ ही दिनों पहले लिया था, अब उसी फैसले ने उन्हें झुका दिया है? जी हाँ, वो घड़ी आ चुकी है जब बांग्लादेश को भारत के सामने झुकना पड़ा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके आक्रामक तेवर अचानक नरम पड़ गए? चलिए आपको बताते हैं इस पूरी कहानी की असली वजह। बांग्लादेश जो कुछ दिन पहले तक भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए था, अब उसने भारत को फिर से हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। आपको याद होगा, यही बांग्लादेश था जिसने महज एक हफ्ते पहले इस मछली के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। वजह दी गई थी कि उनके पास हिल्सा की कमी हो गई है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया था जब दुर्गा पूजा नजदीक है और पश्चिम बंगाल में इस मछली का खास महत्व है। पूजा के दौरान इसे खिचड़ी के साथ खाया जाता है। बांग्लादेश ने सोचा कि इस कदम से भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन उनकी ये चाल उल्टी पड़ गई। भारत ने इस ब्लैकमेलिंग का सख्त जवाब दिया। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि भारत तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर समझौता करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत बांग्लादेश की मछली बाजार में कोई और खरीदार नहीं मिला और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही संकट में थी। मजबूर होकर उन्हें भारत को फिर से मछली एक्सपोर्ट करने की इजाजत देनी पड़ी। इस साल बांग्लादेश दुर्गा पूजा के मौके पर भारत को 3000 टन हिल्सा मछली भेजेगा, जो पिछले साल की तुलना में 1000 टन कम है। लेकिन बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वे इससे ज्यादा सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। क्या आपको पता है कि हिल्सा मछली की कीमत भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीति को कितनी प्रभावित कर सकती है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मछली ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा में मोड़ दिया। हिल्सा मछली केवल भारत, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में ही पाई जाती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मांग यही है। इसकी कीमत इतनी अधिक है कि दूसरे देश इसे खरीदने से बचते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए हिल्सा का एक्सपोर्ट एक बड़ा आर्थिक जरिया है। जब उनका टेक्सटाइल उद्योग संकट में है, तो मछली का एक्सपोर्ट उन्हें कुछ राहत दे सकता है। इस घटना के पीछे एक गहरी रणनीतिक कहानी छिपी हुई है। हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को रोकने का निर्णय केवल कमी के कारण नहीं था, बल्कि यह एक गहरे राजनीतिक दबाव का हिस्सा था, जिसे बांग्लादेश ने भारत पर आजमाने की कोशिश की। सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश की यह सोच सही थी? भारत पर दबाव डालने के लिए बांग्लादेश ने हिल्सा के एक्सपोर्ट को रोककर ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाई। उनका मानना था कि दुर्गा पूजा के समय मछली की भारी मांग को देखते हुए भारत झुक जाएगा, लेकिन बांग्लादेश यह भूल गया कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत की कूटनीति और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह ऐसे छोटे दबावों में आने वाला नहीं था। भारत ने जिस तरह इस कदम को नजरअंदाज किया, उसने बांग्लादेश की रणनीति को बेनकाब कर दिया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गंभीर संकट में है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की हिल्सा मछली की कहानी सिर्फ एक मछली के एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है? यह कहानी दरअसल एक आर्थिक संघर्ष और कूटनीतिक खींचतान की है, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को हिलाकर रख दिया। कोविड के बाद से बांग्लादेश के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर भारी असर पड़ा है। यही कारण है कि उन्हें हिल्सा मछली जैसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट आइटम पर अधिक निर्भर होना पड़ा। मछली की सप्लाई बंद करके वे भारत पर दबाव डालना चाहते थे, लेकिन इसके उलट उनकी आंतरिक समस्याएं और बढ़ गईं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट से आता है। जब उन्होंने सप्लाई बंद की, तो उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि इसका असर भारत से ज्यादा उन पर ही पड़ रहा है। उनका मछली उत्पादन इतना अधिक है कि वे इसे घरेलू बाजार में खपा नहीं सकते थे। यहां पर बांग्लादेश की आर्थिक कमजोरी खुलकर सामने आ गई। भारत ने इस मामले में कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। बांग्लादेश ने जिस तरह से तीस्ता जल समझौते को हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट से जोड़कर दबाव बनाने की कोशिश की, वह उल्टा पड़ गया। भारत ने एक सप्ताह के भीतर ही बांग्लादेश को मजबूर कर दिया कि वे इस प्रतिबंध को हटा दें। भारत ने किसी भी तरह का खुला विरोध नहीं किया, लेकिन अपनी आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति का सही इस्तेमाल करते हुए
बांग्लादेश की योजना को ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश के लिए यह एक बड़ा सबक था कि वह अपनी आंतरिक कमजोरियों को छिपाने के लिए भारत जैसे मजबूत पड़ोसी पर दबाव नहीं डाल सकता, खासकर तब जब उनकी खुद की अर्थव्यवस्था पहले से ही संघर्ष कर रही है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश भेजा कि भारत अब किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग या छोटे आर्थिक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। यह उदाहरण उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो भारत के साथ किसी तरह की आर्थिक या राजनीतिक चालें चलने की योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश का यह यूटर्न यह भी दर्शाता है कि छोटी अर्थव्यवस्था अब वैश्विक बाजार में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती यदि वे अपनी नीति को सही दिशा में नहीं मोड़ती। मछली के एक छोटे से एक्सपोर्ट से शुरू हुआ यह विवाद एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक खेल का हिस्सा बन गया जो बांग्लादेश के खिलाफ चला गया। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आर्थिक दबाव केवल तभी काम करता है जब आपकी खुद की स्थिति मजबूत हो। बांग्लादेश ने भारत को दबाव में डालने की कोशिश की लेकिन अंततः अपनी आंतरिक कमजोरियों की वजह से खुद झुक गया। भारत की रणनीतिक सफलता ने दिखा दिया कि वह अब एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसे किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग से हराया नहीं जा सकता। बांग्लादेश की मुद्रा टाका का अवमूल्यन हुआ है जिससे आयात महंगा हो गया है और देश का व्यापार घाटा बढ़ गया है। विदेशी आण का भार भी तेजी से बढ़ रहा है और कर्ज चुकाने के लिए बांग्लादेश सरकार को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की मुद्रा नीति भी अस्थिर रही है जो निर्यातकों के लिए एक और चुनौती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री है। यह उद्योग देश के कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा बनाता है। हालांकि यह अत्यधिक निर्भरता अब उसकी कमजोरी बन गई है। आपने वह मशहूर कहावत तो जरूर सुनी होगी, हर कोई झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। और भारत ने आखिरकार बांग्लादेश को झुकाकर हिलसा मछली का स्वाद छक ही लिया। मगर ठहरी, यहां ट्विस्ट भी है जो आपको जरूर जानना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत को हिलसा मछली निर्यात करने पर बैन लगा दिया था। अब यह मछली कोई मामूली मछली नहीं है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में यह मछली त्योहारों खासकर दुर्गा पूजा के दौरान इतनी पसंद की जाती है कि जैसे किसी के लिए बटर चिकन या पनीर मखनी हो। जब मछली पर बैन लगा तो पूरा बंगाल जैसे मछली के बिना अधूरा हो गया। सवाल यह है कि बांग्लादेश में मछली तो भरपूर है, फिर बैन क्यों? असल में पद्मा नदी की हिलसा मछली अपनी खास क्वालिटी और बेहतरीन स्वाद के लिए जानी जाती है। भारत की गंगा नदी में भी हिलसा मिलती है लेकिन पद्मा की मछली का तो अलग ही क्रेज है, जैसे कोई लग्जरी ब्रांड हो। अब जब बांग्लादेश ने इस लग्जरी मछली पर रोक लगाई तो मछली प्रेमियों का दिल टूट गया और बाजार में हिलसा की कीमतें छत तक पहुंच गईं। लेकिन भारत कहां पीछे हटने वाला था? भारत ने बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू किया और अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आखिरकार भारत के सामने झुकते हुए बैन हटा लिया है। लेकिन एक शर्त भी है, पिछले साल 4000 टन हिलसा मछली का कोटा मिला था, इस बार सिर्फ 3000 टन मिलेगा। पर बंगाल वालों के लिए तो यही बहुत है, कम ही सही, पर स्वाद तो मिलेगा। और इस पूरे मसले में सबसे मजेदार बात यह है कि एक मछली ने दो देशों के बीच विवाद तक खड़ा कर दिया। जो लोग सोचते हैं कि मछली सिर्फ खाने के लिए होती है, उन्हें शायद इस पूरी घटना से समझ आ गया होगा कि कट नीति में मछली का भी बड़ा रोल हो सकता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की यह चाल खुद उन पर भारी पड़ गई। भारत के खिलाफ खेली गई यह बाजी उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश की यह रणनीति सही थी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।